बहुत सारे लोगों के साथ ये भी दिक्कत आती है कि अगर जैसे लाइफ पार्टनर मिल चुका है, जानते हैं, लेकिन लेट्स से कभी एज का इशू है, कभी एज डिफरेंस का इशू है, तो ये सारे इश्यूज में फिर क्या शुड दे कीप ऑन वेटिंग, क्योंकि जो एज डिफरेंस है वो तो हमेशा उतना ही रहेगा, या फिर किसी में बहुत ज़्यादा जैसे 8 साल 10 साल का एज डिफरेंस है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से प्यार ये सब चीज़ें देखता नहीं है। नहीं, लेकिन घर वाले तो देखते हैं। आपका प्यार अगर सही है तो आप घर वालों को समझा सकते हैं। देखिए ओवरऑल उनको क्या चाहिए कि आप खुश रहें, बच्चे खुश रहें, ठीक है, तो आपको उनको वो बात समझानी पड़ेगी कि आपकी खुशी किस चीज में। मैंने जब शादी के लिए हाँ किया था मेरे हस्बैंड को, मेरी एक शर्त थी, मैं आपके घर नहीं आऊंगी। मैं आपके घर ही नहीं आऊंगी? नहीं, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। लाइक घर जवाई टाइप्स? लाइक है हाँ। उसका रीजन ये था कि मेरे घर के अंदर मेरे ठाकुर जी हैं। अच्छा, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं उनको छोड़ नहीं सकती, और मैं उनको नई जगह ऐसे ले जाके खड़ा नहीं कर सकती, फिर मुझे उस जगह को बहुत पहले शुद्धिकरण और वो सब करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एटलीस्ट 3 से 4 साल लग जाएंगे। ओके, तो वो सारी सेटअप्स मैं आकर आपके घर के अंदर करूं? इससे अच्छा आप ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी डन है, सेट है, ठीक है। उन्होंने मेरी बात को समझा, जबकि उनको अपनी जगह से बहुत प्यार था, आज भी है। आज भी पता है वो बहुत मिस करते हैं, वो वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, वहाँ का नाश्ता, बिकॉज वो दिल्ली के हैं, तो दिल्ली का तो आपको पता है एक एक फूड बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी होता है, और वो टिपिकली उसी एरिया के हैं, तो उसका छोला भटूरा, उसका परांठा, उसका ये, उसका वो, उनको आज भी बहुत मिस करते हैं वो। उनके लिए आसान नहीं था चीज़ें छोड़कर आना, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को समझा। फिर जब उन्होंने समझा तो फैमिली में और लोग भी थे जिनको समझाना था ये बात, और बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी चीज हो गई जो समझ के वो समझा पाए। और मैं आज तक मैंने किसी को नहीं बोला, आज मैं आपको बोलती हूँ, उसके बाद दुनिया आपको जीने नहीं देती। मैं आपको सच बोलूं, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए ना, कौन क्या कह रहा है, आपका परिवार या सामने वाले का परिवार, दोनों को कान बंद कर लेने चाहिए। करेक्ट। जब हम दोनों की शादी हो गई और उसके बाद जब वो मेरे साथ रहने आ गए, मतलब हमारे घर में हम लोग साथ रहने लगे, तो आपको पता है लोगों के क्या वो आने लगे, बहुत बैड कमेंट्स होंगे, रिलेटिव्स। अच्छा, रिलेटिव्स ही, रिलेटिव्स, ओके, है ना। बाहर वाले कोई कुछ नहीं कहता, बाहर वाले तो खुश हो जाते, अरे वाह अच्छा इनकी शादी हो गई, दे आर मेड फॉर ईच अदर, बड़े खुश होते। आज भी मैं अपना एक डीपी डाल दूं ना, तुरंत इतने सारी बच्चियों के मैसेजेस आ रहे, माँ आप कितने सुंदर लग रहे हो ना, आप दोनों कितने प्यारे लगते हो ना, आप सर को जैसे देखते हो कितना अच्छा लगता है ना, मतलब उनको तक ये समझ में आता है कि सर का नाम आते ही जो मुस्कान आ जाती है वो कैसी होती है आपके लिए। पर जो घर वाले थे, अब मेरी साइड के जो थे, उनका क्या रिएक्शन आना चालू हुआ, इसका होगा ही नहीं कोई घर बार लड़के का, इसलिए आ गए, इसलिए आ गया, कोई लालच होगा। इवन दो आप बिलीव करोगे, लोगों ने तो ये तक प्रिडिक्ट करना चालू कर दिया मेरे घर के अंदर कि देख लेना ये एक दिन इसको मार देगा, प्रॉपर्टी एंड ऑल इसके लिए। अरे बाबा। So, हाँ, मतलब लोग किस टाइप से प्लानिंग प्लॉट है ना, हाँ। उन सब चीजों को भी सुनकर उन्होंने इग्नोर किया कि बोले जान रहे हो जिसको जो बोलना है, तुम खुश हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, हाँ। तुम्हें अपने ठाकुर जी भी मिल गए, मैं भी मिल गया, हाँ। तुम हैप्पी हो ना, हाँ। तो बस हैप्पी रहो। और फिर जो उनके घर वाले कुछ बोल रहे हैं और सब इग्नोर करा सब, तो बट अगर उनकी फिर एक्सेप्टेंस कैसे आई अगर इग्नोरेंस ही था? नहीं, टचवुड, उनके घर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की इस बात की कि नहीं, उन्होंने बल्कि बड़े बुजुर्गों ने कहा नहीं तुम्हें ही वहाँ जाना चाहिए, वो जब इतना ठाकुर जी की सेवा और वो सब करती है बेटा, तो तुम्हें उसकी चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे उनकी फैमिली। ओके okay. मैं अगर आपको सच बोलूं तो ससुराल की तरफ से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, आपके एंड से, आपके फैमिली के तरफ। बट ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस है, आज अगर वो नहीं होता तो आई गेस आज हमारे पास ये बात नहीं होती करने को। तो इन शॉर्ट मैम, आपका जो कहना है कि अगर आपको सही लाइफ पार्टनर आपको जो लगता है, जो आपको समझ पाता है, तो फिर उसके बाद उम्र सिर्फ एक नंबर हो जाता है। उसके बाद तो फिर आपको पता चल गया कि ये इंसान आपके लिए है, आप उसके लिए हैं, तो फिर कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हाँ, फिर आप अपनी फैमिली को समझाइए, उन्हें वो खुद समझेंगे अगर आप ढंग से समझाएंगे तो। एंड फैमिली आज के टाइम पे हो सकता है कुछ एक के पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हों, बट कहीं ना कहीं बात समझते हैं लोग, अगर आप उन्हें सच्चे दिल से जाके समझाएं कि नहीं। और हम शादी से पहले भी उन चीज़ों को काट सकते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आप दोनों का एक साथ होने पर, तो उन चीज़ों का निवारण भी किया जा सकता है। हाँ, जब प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन तो हो गई हो गई हाँ। तो लेकिन
ये प्रॉब्लम आएगी या ये सोल्यूशन है ये पता कैसे चलेगा? जब तक डॉक्टर के पास जाओगे नहीं तो एग्जैक्टली बीमारी का पता कैसे चलेगा? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं आप वो जो एस्ट्रोलॉजर्स, ज़रूरी नहीं है मैम के पास, अगर आपके पास और भी कोई है तो, बट आप कंसल्ट ज़रूर करें।